भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी आज बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां अनेक स्थानों पर बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आमजन ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीपी जोशी ने लोकसभा चुनाव में मिले सहयोग व समर्थन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस दौरान मतदाता सम्मेलन सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की 240 सीटें आई हैं। कांग्रेस 3 चुनावों में भी इतनी सीटें हासिल नहीं कर पाई। केंद्र में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से कांग्रेस में झटपटाहट हो रही है। लोकसभा में जिस प्रकार का व्यवहार कर हिंदू समाज को बदनाम करने और नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदू समाज को गालियां दी जा रही है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लोकसभा चुनाव के समय भी कांग्रेस ने जनता को बरगलाने के लिए और सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रांतियां फैलाने का काम किया था, लेकिन जनता ने नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता पहले भी हिंदू आतंकवाद कह चुके हैं, क्या उन्हें यह नहीं पता कि कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं कौन कर रहा है? संसद में, जयपुर में, सोमनाथ में आतंकवादी घटनाएं किसने की? घुसपैठियों की तरह देश में आकर कौन विचलित करने का काम कर रहा है? हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक विचारधारा है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जोशी ने आगे कहा कि राजस्थान में पूर्व की कांग्रेस सरकार ने जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और आखिरी के 6 महीनों में ही काम किया, जबकि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने सत्ता में आने के 6 महीनों में संकल्प पत्र के 40-45% से अधिक वादों को पूरा करने के साथ ही जनहित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का काम किया है। कांग्रेस ने आरसीपी को लेकर प्रदेश की जनता को गुमराह किया, लेकिन भाजपा की सरकार ने काम करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार के साथ MOU किया, शीघ्र ही काम शुरू हो जाएगा। कांग्रेस की सरकार ने मोदी सरकार की जल जीवन मिशन योजना में भी जमकर भ्रष्टाचार किया है। जहां पानी का कोई स्रोत नहीं था, वहां भी टंकी बना दी और पाइपलाइन बिछा दी। उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर भाजपा की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए आने वाले पंचायत राज चुनाव में सरपंच से लेकर जिला प्रमुख तक भाजपा का कमल खिलाने का संकल्प लेना है। इन लोगों ने हमेशा से कभी टोपी पहनना, कभी तिलक लगाना, कभी क्या करना, एक नौटंकी पार्टी है जो हमेशा नौटंकी करने का खेल करते हैं। लेकिन ये जरूर है कि इस बार इन्होंने इस देश की जनता को भ्रमित करने में कुछ हद तक सफल रहे। कभी कहा कि ये 400 सीटें आ गई तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन अब देश की जनता को ये एहसास हो रहा है कि अगर कुछ सीटें कम आ जाती तो क्या होता, देश किन के हाथों में जाता, क्या उन ताकतों के हाथ में जाता जो हिंदू विरोधी है, क्या उन ताकतों के हाथ में जाता जो दुनिया के सामने हिंदुस्तान का सर झुका, हिंदुस्तान को नीचा दिखाने का काम करते हैं, क्या उन ताकतों के हाथ में जाता जो सेना को कमजोर करने का काम कर रहे थे, क्या उन ताकतों के हाथ में जाता जो इतने वर्षों तक गांव और गरीब के लिए सिर्फ नारे और वादे दिए, क्या उन ताकतों के हाथों में जाता जो चाइना और पाकिस्तान के सरपरस्ती में काम कर रहे हैं, क्या उन ताकतों के हाथों में जाता जो ये आजादी से लेकर इतने वर्षों तक हिंदुस्तान का भला नहीं कर पाए। लेकिन देश की जनता को अगर किसी के ऊपर विश्वास था तो श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास था। मुझे अभी कह रहे थे कि वो दायित्व नहीं मिला। मैं 10 तारीख से पहले एक दिन दिल्ली गया, मैं माने और सौभाग्य से, हमारा सौभाग्य कि फिर से दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के रूप में राजस्थान के आदरणीय ओम बिरला जी को फिर से लोकसभा अध्यक्ष का दायित्व मिला। मैं वहाँ सभा से 2 दिन पहले गया, मैंने माननीय ओम जी वजह मुझे मकान चेंज करना है, पीछे वाला जहाँ पहले आप एक नंबर 14 नंबर है वो दे दो, उस पास में 2 लोग बैठे थे, बोले भैया 10 तारीख को शपथ हो रही है कहीं तुम्हारा नंबर आ जाएगा। मैंने कहा मेरे को पता मेरा नंबर नहीं आएगा, क्योंकि कई समीकरण होते हैं, कई इक्वेशन होते हैं, कास्ट इक्वेशन होते हैं, मैं पहले से प्रिपेयर था। लेकिन ये जरूर है कि चाहे कोई भी दायित्व हो, कार्यकर्ता का दायित्व हमेशा अपने पास रहता है और उस दायित्व को ईमानदारी से निर्वहन करने का पूरी ताकत के साथ हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। हम सब लोग आने वाले समय में पंचायत राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव भी है,
अभी से हमारी कार्य योजना बने। और ये मैं कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में या आदरणीय भजन लाल जी की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार, और ये दो नारियां आप जीते भेजदीदा आप दिल्ली और जयपुर, ये सब विश्वास दिलाते हैं कि विकास का इतिहास बनेगा, इस बार विकास का इतिहास बनेगा। आप सब लोगों का स्नेह सहयोग और आशीर्वाद बना रहे। और हम सब लोग, कल 6 तारीख है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने कश्मीर से धारा 370 को हटाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। हिंदुस्तान में रहकर वहां कश्मीर जाने के लिए हमें परमिट प्रणाली लेनी पड़ेगी क्या? हमें परमिट लेना पड़ेगा क्या? ऐसा करके उस दीवारों को तोड़ कर घुस गए कश्मीर के अंदर, और उन्होंने अपने प्राणों की शहादत दे दी। लेकिन उन्होंने एक ऐसी लो जगाई कि जब भी इस विचारधारा की सरकार दिल्ली में आएगी तो निश्चित रूप से धारा 370 हटेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो दिन आया, धारा 370 हटी और कश्मीर में आज सबसे ऊपर तिरंगा फहरा रहा है। तो हम कल के दिन एक पौधा माँ के नाम प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि सभी वृक्षारोपण के अभियान में भाग ले, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएंगे हम सब लोग।